जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अमित भूषण, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको शनि देव की जो साढ़े साती है, महादशा है, ढैया चल रहा है, या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अशुभ भाव में कुंडली में विराजमान है, तो उन सभी दोषों से छुटकारा पाने का बड़ा ही सरल उपाय बताने वाला हूं। यह उपाय बड़ा ही गहराई से सोचकर लेके आया हूं आपके लिए मैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और उन उपायों को करें जिससे आपके जीवन में शनि देव से जो कष्ट मिल रहे हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, ये बातें करें इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही मैं आगे आपको अच्छे अच्छे जानकारियां देता रहूंगा। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आगे मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए और वो वीडियो आप देख सकें। तो बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती है, ढैया है, महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, या कुंडली में अशुभ स्थान पे विराजमान है, तो वो जो शनि के कारण जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, उनको कैसे दूर किया जाए, यही सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो शनि देव को आपने सुना होगा न्याय का देवता बताया गया है, और ये सूर्य पुत्र है, यमराज के भाई हैं, अपनी दशा साढ़े साती ढैया ये सब चलता है, तो उसके अंदर किए गए कर्मों का अच्छा और बुरा फल शनिदेव देते हैं। शनि महाराज की शांति या प्रसन्नता करने के लिए अन्य उपायों को हम करते हैं, लेकिन जो मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूं वो बड़ा ही कारगर और सटीक उपाय है। ये अगर आप करते हैं तो आपको इसका तुरंत रिजल्ट प्राप्त होगा, लेकिन मैं एक बात आप सबको बता देता हूं कि मित्रों, अगर कुंडली के अंदर ग्रह ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, ग्रह ज्यादा क्रूर है, प्रबल दशा है, तो आप चाहकर भी उपाय नहीं कर सकोगे। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोग 5 जगह 10 जगह 15 जगह 20 जगह आप ज्योतिष आचार्यों को पूछ लेते हैं, उनसे पूछ के उनसे सब कुछ आप लिखवा कर लेके आते हैं कि ये ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आप वो उपाय नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि वो ग्रह करने नहीं देता आपको। आप लाख प्रयास करते हैं फिर भी आप उस उपाय को नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है बीच में और स्टॉप लग जाता है। ऐसा होता है, आप मानकर चलिए। तो आप अपनी जो ग्रह की दशा है, ग्रह की अशुभता है, उस अशुभता को शुभता में कैसे बदलें, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो मित्रों, कल बड़ा ही उत्तम योग है, यानी कि 2019 के प्रथम माह में, जनवरी माह के अंदर, ये बड़ा ही संयोग बन रहा है कि मलमास का महीना चल रहा है और इसी के साथ शनि अमावस्या कल है, तो इस पे उपाय किए जाएं तो पूरा वर्ष अपना अच्छी तरह से बीतेगा और शनि की तरफ से कोई हमें परेशानी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं, और आज मैंने ये प्रयास किया, समय नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि आज ये वीडियो डाल देता हूं जिससे आप कल कुछ उपाय कर सकें और आपको कुछ फायदा हो सके। तो मित्रों, चलिए मैं आपको 11 उपाय छोटे छोटे बता रहा हूं, उन उपायों को आप श्रद्धा से करिए,
विश्वास के साथ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त होगी। वैसे तो हम शनिवार को उपाय कर लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि शनि अमावस्या का संयोग, फिर मलमास का महीना, तो ऐसा संयोग बार बार नहीं मिलता, तो इस समय अगर ये उपाय किया जाए तो करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आता है, कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो आप प्लीज इसे शेयर कर देना और लाइक कर देना। तो पहला उपाय आपको करना है मित्रों, कल सुबह शनिवार अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर एक पात्र के अंदर थोड़ा दूध डालें, दूध के अंदर चीनी मिलाकर सफेद तिल आपको साथ में लेने हैं और 108 संख्या में रेवड़ी लेना है, यानी जो तिल की और गुड़ की बनी होती है, 108 रेवड़ी लेना है आपको। और कल सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पास जाएं, पीपल में वो मीठा दूध और सफेद तिल अर्पण करें, उसके बाद में सरसों के तेल का दीपक वहां प्रज्वलित करें, और जब तक आप 108 परिक्रमा करते हैं तब तक वो दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आप एक परिक्रमा करेंगे, उसी के साथ पीपल की जड़ के अंदर एक गुड़ और तिल की जो बनी होती है रेवड़ी बोलते हैं, उसको अर्पण करेंगे। एक परिक्रमा के साथ एक मंत्र बोलेंगे, सन सनेश चराय नमः, सन सनेश चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। अगर ये नहीं होता है तो नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए वो रेवड़ी अर्पित करते जाएं और 108 परिक्रमा पीपल की आप करें। इससे आपको जो शनि के द्वारा कष्ट मिल रहे हैं, शनि ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो वो सब समस्या आपकी दूर हो जाएगी और अशुभता में शुभता मिलेगी आपको। दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा ही सरल उपाय है, काली गाय आपको मिल जाए, एक कलर की, उसके अंदर सफेद टीका भी न हो, ऐसी काली गाय आपको मिले तो उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद में 8 बूंदी के लड्डू उस गाय को खिलाएं, 8 परिक्रमा करें गाय की, 8 बार गाय की पूंछ से अपने सर को झाड़ें, ये प्रक्रिया आपको करनी है। इससे सभी शनि से संबंधित जितने भी दोष हैं वो सब दूर हो जाएंगे। काला सुरमा तीसरा उपाय है, ध्यान दीजिएगा, काला सुरमा लेना है और उस सुरमा को लेकर, जो आंखों में डालने वाला सुरमा होता है, उसे लेकर सुनसान स्थान पर जाकर एक हाथ लंबा गड्ढा खोदें और उसके अंदर उसे डाल दें और उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, उपाय करें। चौथा उपाय आप कर सकते हैं, काले कुत्ते को कल शनिवार अमावस्या के दिन, कल शनिवार अमावस्या के दिन काले कुत्ते को आप रोटी पे तेल लगाकर या फिर ब्रेड या बिस्किट पे तेल लगाकर कुत्ते को खिलाएं, क्योंकि आजकल कुत्ते रोटी नहीं खाते हैं, तो आप ये उपाय करें, इससे शनि की अशुभता में शुभता मिलेगी आपको। पांचवा उपाय आप कर सकते हैं, काले घोड़े की लोहे की नाल बोलते हैं जिसे, वो मिल जाए, या फिर नाव की कील होती है, नाव के अंदर जो कील लगी होती है लोहे की, वो मिल जाए तो उसका आपको छल्ला बनाना है, गोल छल्ला बना के आप बीच वाली मध्यम अंगुली में उसे धारण कर सकते हैं, इससे भी शनि से संबंधित जितने भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। छठा उपाय, आप अपने घर में बिच्छू बूटी या फिर शनि यंत्र की स्थापना करें, जिससे आपको साढ़े साथी या फिर ढैया चल रहा है उसमें आपको जो परेशानी आ रही है वो सब दूर हो जाएगी। सातवां उपाय आप करें, पानी वाले 11 नारियल लेने हैं, उसके साथ में काले और सफेद तिल 400-400 ग्राम,
आठ मुट्ठी कोयला, आठ मुट्ठी जौ और आठ मुट्ठी काले चने लेने हैं, नौ लोहे की कील, इन सब को नए काले वस्त्र में बांधकर संध्या से पहले यानी सायंकाल शुद्ध जल वाली जो नदी है, बहता हुआ जल है, उसमें अपने सर के ऊपर से सात बार घुमाकर जल के अंदर प्रवाहित कर दे, बहा दे। ये आठ सातवां उपाय है, इसे आप करें। अब आठवां उपाय बता रहा हूं आपको मैं, कांसे की कटोरी के अंदर सरसों का तेल डालकर उस कटोरी के अंदर अपना चेहरा देखना है। अपना चेहरा देखें, हाथों के दसों नाखूनों की परछाई देखें, उसके बाद में उस कटोरी और तेल का दान कर दें। ये आठवां उपाय है, ये बड़ा ही कारगर उपाय है। इससे जितने भी परेशानी आ रही है, अपने पूर्व जन्म में किए हुए जितने भी पाप है जो परछाई की तरह हमारे पीछे रहते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। नौ नंबर का उपाय है मित्रों, 800 ग्राम तिल तथा 800 ग्राम सरसों का तेल, काला कपड़ा नया कपड़ा और नीलम, इन चार चीजों का आप दान करें, इससे बड़ा ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। 10 नंबर पे आप उपाय कर सकते हैं, शनि मंदिर या पीपल की परिक्रमा करें और एक परिक्रमा के साथ हनुमान चालीसा की एक चौपाई बोलें। एक परिक्रमा करते हैं तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर, एक परिक्रमा करें, दूसरी परिक्रमा में दूसरी चौपाई बोलें, ऐसे करके आप परिक्रमा करें। 11 नंबर का उपाय है दोस्तों, काले घोड़े की नाल जो पहले मैंने बताई थी वो आपके पास उपलब्ध हो तो आप उस नाल को पूजन करके उसके बाद में अपने घर के बाहर गेट दरवाजे पे गेट पे उसको ऊपर की तरफ, यानी कि उसका मुंह है ऊपर की तरफ हो, इस प्रकार से घर के बाहर स्थापित करें। इससे जितने भी नजर टोड़े टोटके का जितना भी दोष है, बुरी नजर का प्रभाव है, सब दूर हो जाएगा। अगर व्यापार स्थल पर आप ये नाल लगाना चाहते हैं तो उसका मुंह है उल्टा होना चाहिए, नीचे की तरफ रहना चाहिए, तो ये आप उपाय कर सकते हैं, जिससे दुकान या फैक्ट्री में आपके जो भी दोष है वो समस्त दोष दूर हो जाएंगे और आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मित्रों, मैंने ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं, आप ये कर सकते हैं आसानी से। अगर ये करेंगे तो शनि की तरफ से आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सब दूर हो जाएगी और आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर नहीं भी आया है तो इसे जरूर देखें और लाइक कर दे, शेयर कर दे। चलता हूं, फिर मिलूंगा नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।